न्यून मांग एवं अतिरेक मांग की समस्या अर्थशास्त्र एसपीपीडी के अनुसार टॉपिक संख्या 26 है। तो सबसे पहले जान ले कि न्यून मांग है क्या और अतिरेक मांग है क्या, फिर समस्या तो पहले परिभाषा जानेंगे उसके बाद होगी ना। साधारण बोलचाल की भाषा में मतलब क्या है, न्यून का मतलब क्या था, कम थोड़ा, मांग मतलब किसी वस्तु का डिमांड, अतिरेक का मतलब ज्यादा, क्या होता है। तो प्रश्न की न्यून मांग क्या है और न्यून मांग उत्पन्न कब होता है, तो सीधी बात कहता है कि साधारण बोलचाल की भाषा के मैं बात आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति का आय का स्तर क्या हो, कम हो, या अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय का स्तर क्या हो, कम हो, तो जब राष्ट्रीय आय कम होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी, जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो लोगों के पास खरीदने की जो क्षमता होगी, खरीदने की वह क्षमता क्या होगी। एक अर्थव्यवस्था में लोगों का जितना डिमांड है या वस्तु का जितना उत्पादन हो रहा है उस अनुपात में अगर लोगों के परचेजिंग पावर पास न हो तो उसे क्या कहेंगे हम, और अतिरेक मांग, जब लोग राष्ट्रीय आय ज्यादा हो तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा नहीं, पर जब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा तो अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन किया जा रहा है उन सारे चीजों का जनता के द्वारा डिमांड कर दिया जाता है, यानी उतना ही नहीं उससे ज्यादा का कर दिया जाता है। उत्पादन एक है, डिमांड दो का हो रहा है, तो इस मांग को क्या कहेंगे, ये साधारण बात है। तो सबसे पहले जान ले कि न्यून मांग है क्या, तो परिभाषा होगा कि यदि अर्थव्यवस्था में न्यून मांग का हम परिभाषा ले कि न्यून मांग है क्या, तो लिखेंगे यदि अर्थव्यवस्था में, यदि अर्थव्यवस्था में कहने का मतलब हो गया यदि किसी देश में, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया देश में, आय का संतुलन स्तर, आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले तय हो जाए, पूर्ण रोजगार स्तर से पहले तय हो जाए, क्या कहेंगे, न्यून मांग कहेंगे। यदि अर्थव्यवस्था में मतलब यदि किसी देश में आय का संतुलन स्तर, आय के संतुलन स्तर का मतलब समझते हैं कि आपकी जितनी सामर्थ्य उतना आपको पेमेंट मिल रहा है, या जितना आप इनकम कमा रहे हैं उससे अपने सभी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, तब ना संतुलन हो गए। आप जितना कमाते हैं उस पैसा से आपके जरूरत की चीज नहीं पूरा हो पाती है, तो संतुलन में क्या होगा, नहीं होगा। तो कहता यदि अर्थव्यवस्था में मतलब यदि किसी देश में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के पहले तय हो जाए, मतलब आप 12 घंटा काम करने की क्षमता है, 12 घंटा काम नहीं किए, 6 घंटा काम किए, 6 घंटा काम करने से आपको जितना इनकम मिला वो सब क्या है, संतुष्ट है, मेरे जीवन में आगे बढ़ने वाला विचार आपके मन में कभी गलत की सही, इसे क्या कहेंगे, क्योंकि पूर्ण रोजगार से पहले जब आप अपने इनकम से संतुष्ट हो पा रहे हो इसका मतलब आपकी आवश्यकताएं कम है, आपकी इच्छाएं कम है, आपकी जरूरत क्या है। तो जब इंसान का लोग का जरूरत कम होगा तो देश में जितना वस्तु का उत्पादन होगा उस तो बिक नहीं पाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, न्यून मांग कहलाएगा। फिर प्रश्न होगा तो न्यून मांग की विशेषता क्या होगी, परिभाषा समझ में आया कि नहीं, मनीष बुझाया,
हमने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में, मतलब यदि किसी देश में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से पहले क्या हो जाए, पूर्ण रोजगार का मतलब जानते हैं ना कि किसी देश में काम करने के लायक जितने भी व्यक्ति है सबको काम मिल गया, सभी काम कर रहा हो, मजदूरी के दर से मतलब नहीं है, काम करने के योग्य जितने व्यक्ति हैं सभी के हाथ को क्या मिल गया हो, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिला, उससे पहले ही एक इंसान अपने जो इनकम प्राप्त करता है, जो आय प्राप्त करता है, जो धन कमाता है, उसे क्या है, सेटिस्फाइड है, क्या कहेंगे, तो घर में सबको रोजगार नहीं, एक गोरे कमाने वाले, 10 गोरे खाने वाले हैं, एक ही की आमदनी से सारे लोग क्या है, संतुष्ट है, मतलब उसकी चाह आदि मानव की तरह है, गलत सही, भोजन वस्त्र हाँ जैसे तैसे आवास, नहीं तो पैरों पर सुत लेगा, गुफा में भी रह लेगा, क्या जी शिक्षा चिकित्सा की जरूरत क्या है, तो क्या कहेंगे, न्यून मांग। तो प्रश्न, न्यून मांग की विशेषता क्या है, तो न्यून मांग की बहुत सारी विशेषता है, पहली विशेषता है कि इसमें जो सामूहिक मांग का स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से क्या होता है, नीचे होता है, पहली विशेषता है सामूहिक मांग का स्तर क्या होगा, पूर्ण रोजगार स्तर से क्या होगा, नीचे होगा, सामूहिक मांग माने सबका मांग जो होगा, सामूहिक मांग मतलब सबका मांग, और सबके मांग में आम जनता का डिमांड भी जोड़ लेंगे और सरकार के डिमांड को भी जोड़ लेंगे, पूर्ण रोजगार से क्या हो, नीचे हो, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, न्यून मांग कहलाएगा ये। अब प्रश्न है, न्यून मांग की स्थिति में अन्य क्या चीज हो सकता है, दूसरा तो यहां चीज दिखाएगा अनैच्छिक बेरोजगारी, सामूहिक मांग का स्तर पूर्ण रोजगार का स्तर से नीचे हो, मतलब क्या हो, लोगों में अनैच्छिक बेरोजगारी माने काम करने की इच्छा ही न हो, जब भात दाल तरकारी मिल ही रहा है, आजकल के भारत के 90% ग्रामीण क्षेत्र के जमींदारों के ही पोजीशन है, पिताजी का होटल में चावल दाल सब्जी मिल रहा है तो उसे क्या जरूरत है किसी कारखाना में जाकर के काम करने के लिए, कई बार सुनने को मिलता है अगल बगल से बांध पर चलते चलते, जब पढ़ लिख किसी का नौकर बनना ही है तो पढ़ने से क्या फायदा, उससे अच्छा तो अपने खेत में ही काम करो, बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं क्योंकि दुनिया में सब सबका नौकर है, क्या ऐसा है कोई जो मालिक हो, राष्ट्रपति क्या मालिक है, राष्ट्रपति भी जनता के नौकर है, लोकतंत्र के नौकर, सर्वेंट है वो, पब्लिक के सर्वेंट है कि नहीं, अगर पब्लिक के सर्वेंट नहीं होते तो उन्हें 5 साल के बाद आजीवन आना चाहिए पद पर, 5 साल के बाद उन्हें डिसीजन हटना पड़ता है, कई बार डिसीजन देने के लिए कई बार सोचना पड़ता है कि हम जो डिसीजन देंगे, जो हम फैसला लेंगे, जो हम निर्णय लेंगे, उस निर्णय से हमारे मालिक संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, क्या मनीष कोश्यारी आ रहा कि राष्ट्रपति कहा इसे सोचेंगे, नहीं सोचते होंगे, अन्य बात सोच रहे हैं, चलिए अभी तो तुम्हारे मनो चल रहा है दुर्गा माता बुनिया दाता, सन्यासी जो समाज से अलग हो गया वो किसी का नौकर नहीं हो सकता, जिसे अपने और परमात्मा के अलावे, जिसे अपने नहीं केवल परमात्मा का परवाह रखता है, अपना भी परवाह नहीं है, सन्यासी के खुश रहने का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है, नहीं कल के लिए नहीं जीता, वर्तमान में जीता है, आज भरपेट भोजन मिल गया, कल मिलेगा या नहीं इसकी चिंता उसे नहीं है, अरे परमात्मा मुंह दिया है पेट से सोचेगा, उसे मेरा सोचना काम नहीं है, और हम लोग कैसे हैं ये तो जानिए रहे ना, कि कथा ही कह रहे थे ना, मनीष जैसा सेठ खाना खा रहा था, उसका मुंशी आया कहा कि जो जैसे में चर्चा व्यवस्था चल रहा है, ऐसा खर्चा से कितना पीढ़ी चलेगा,
कुछ दिन के बाद आया, कहा कि नौ खानदान चलेगा आपका धन, फ्यूचर हाँ फिट मार दिया, बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उपचार करके ठीक किया था, कहा कि फिट क्यों मारा, तो ठीक थे, इसलिए दसवां पीढ़ी मेरा क्या खाएगा। हम गृहस्थ के दुखी रहने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, हम कल के लिए तो भी अच्छा है नहीं, दस पीढ़ी बाद के लिए सोचते हैं। राजनीति में क्यों आता है कि साई इतना, हम लोगों ने पढ़ा कि साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यहां साधु का मतलब अतिथि से है कि हे परमात्मा हमें उतना दो, समर्थ उतना दो कि हम खाएं, और हमारे यहां कोई अतिथि आए उसका मैं सत्कार कर सकूं। अभी तो राजनीति में चल रहा है कि साई इतना दीजिए, मैं खाया तो क्या खाया, सात आठ खानदान तक है। तब ने एक टीचर रिटायर हुआ, तब पेंशन खत्म है, नेता जितना बार नेता बना हर बार क्या पेंशन उसको मिलता है, ये कौन सी नीति है, कानून कौन सा है, पता नहीं चला आज तक, इस पर किसी का नजर ही नहीं जा रहा है। तो कितना बार पेंशन एक ही बार नहीं मिलता है, एक इंसान दस दस बार पेंशन उठा रहा है, और भारत का ये दुर्भाग्य है। इस पर कोई नेता विरोध नहीं करेगा, चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्षी हो, क्योंकि सारे चोरबा तो इसी से लाभ ले रहे हैं। जमींदारी प्रथा के विरुद्ध बोला जाता है, लेकिन जब जमीन पर लागू करने की बात आती है तो कोई लागू नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सत्ता में बैठे सारे जमींदार लोग हैं, कोई गरीब नहीं है, गरीब वोट मांगते समय होता है, उसमें बैठा चाहे जाति जो हो धर्म जो हो, कोई गरीब है ही नहीं, जो गरीब होगा और राजनीतिक पहुंच उसकी हो ही नहीं सकती है, मैंने अपने जीवन काल में पाया है। तो प्रश्न है अनैच्छिक बेरोजगार होगी, दूसरा इसमें क्या होगा, किस न्यून मांग की स्थिति में दूसरी विशेषता है, न्यून मांग की स्थिति में, न्यून मांग की स्थिति में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आप सामूहिक पूर्ति से कम होती है। मतलब एक और विशेषता जान लीजिए कि न्यून मांग की स्थिति में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए सामूहिक पूर्ति से क्या होती है, कहने का मतलब समझ लीजिए, कहता है कि न्यून मांग की स्थिति में, मतलब कम मांग की स्थिति में क्या होता है, सामूहिक मांग, व्यक्ति का डिमांड भी और सरकार का डिमांड भी, पूर्ण रोजगार के लिए सामूहिक पूर्ति से क्या होती है, जब सबको रोजगार नहीं मिलेगा तो सामूहिक पूर्ति भी क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि पूर्ति ही कम कराएगा, जब पूर्ति कम कराएगा तो डिमांड ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा। जैसे अभी गोभी खरीदने जाते हैं, जगह पर जिसका परिवार थोड़ा सा बड़ा है वो एक केजी खरीदता है, गलत किस है, क्या बोले हैं, आधे केजी में काम चला लेता है, कई बार तो एक फूल उसका उठा लिए वही वजन करवा लिए। कभी कभी बच्चे लोग संघर्ष करते कि नहीं इतना से तो काम नहीं चलेगा, तब तीन चार छाता लेना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन अब एक छाता लेते हो, दो लेते हो आधा के जी, छठ पूजा के बाद, मैं ही बता रहा हूं, एक झोला 10 रुपए में 5 किलो, वहां पूर्ति ज्यादा है। तो यहाँ क्या है, पूर्ण रोजगार के लिए सामूहिक पूर्ति भी क्या होती है, कम होती है, तो देखता कि लोग डिमांडे नहीं करता क्योंकि लोगों की आय क्या है, कम है। जब लोगों की आय कम है तो वहां आपूर्ति भी क्या करेगी, कम, क्योंकि ज्यादा लेके जाएंगे तो बिकेगा नहीं, लेके जाएंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, लेके वापस ही आना पड़ेगा, तो वहां पूर्ति भी क्या कर देता है, कम कर देता है। अब है न्यून मांग के उत्पन्न होने के कारण क्या है, एक प्रश्न आ सकता है, न्यून मांग के कारण, न्यून मांग उत्पन्न क्यों होता है, क्या कारण है। तो पहला बात, न्यून मांग के उत्पन्न होने का पहला कारण है
सरकार द्वारा चलन मुद्रा को कम कर दिया जाता है। सरकार द्वारा कौन मुद्रा? चलन मुद्रा को क्या कर देना? कम कर देना। देश में जो रुपया चल रहा है, प्रचलन में जो मुद्रा है, उसे क्या कर लेगी? कम कर देगी। अब कहोगे सर सरकार चलन मुद्रा कम कैसे कर देगी? तो बैंक दर बढ़ा देगा, ब्याज दर बढ़ा देगा, गलत सही एसएलआर का दर बढ़ा देगा, खुले बाजार की क्रिया कर देगा। और तो लिए हैं, अब यहां समझाने की जरूरत तो है नहीं। तो रुपया जैसे मार्केट में कम होगा तो लोगों के पॉकेट में रुपया कम होगा, जब लोगों के पॉकेट में रुपया कम होगा तो खरीदने की क्षमता ही नहीं रहेगी। समझ में आई नहीं है? दूसरा तरीका है जो मैं बोलिए दिया हूं, ब्याज दर बढ़ा देना। ब्याज दर में क्या हो जाएगा वृद्धि? ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग कंजूस तो ऑलरेडी मनी से ही और थोड़ा कंजूस बनेगा। अरे बैंक में रख देंगे तो 10 रुपए से 1% हो गया, पहले 4.25% नहीं था, 10% हो गया, चलो 100 रुपए डालेंगे तब एक साल में 110 रुपया हो जाएगा। समोसा नहीं खाएंगे तो काम चलेगा, नहीं समझे बात? जैसे ही ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग अपने घर के पैसा को कहां डाल देगा? बैंक में। अब बैंक में जाएगा तो बैंक में से पैसा निकाल के धनराशि निकाल कर समोसा खाना एक भारी बात होता है, शराब पी लेगा, गुटखा खा लेगा, लेकिन आवश्यकता की जो चीज है वो क्रय करना थोड़ा सा, खास करके हम बिहार क्षेत्र में रहते हैं, बिहार के लोगों के लिए बता रहा हूं, थोड़ा मुश्किल। हाँ, गुटखा तो खर्च कर देगा वो, या तो जमीन बेच कर शराब पी जाता है, गलत सही। बाल बच्चों के शिक्षा पर नहीं खर्चा करेगा, और जरूरत चावल चलो आज रोटी घर में कल निकालेंगे तो ये कर लेंगे, कई लोगों का सोच है ऐसा। तीसरा क्या हो सकता है? कर में वृद्धि। कर में क्या हो सकता है? टैक्स का दर बढ़ जाएगा। टैक्स का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप जितना पहले टैक्स देते थे उसमें कुछ रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, तो जो रुपया आपके पास पहुंच जाता था जिससे आप सामान खरीदते थे वो पैसा तो कहां चला गया? टैक्स में चला गया। तो जैसे ही टैक्स में चला जाएगा तो क्या होगा? आपकी खरीदने की क्षमता। अगला भी कारण है सरकारी व्यय में कमी। सरकारी व्यय में, सरकार अपने व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा। सरकार अपने खर्च को कम करके भी न्यून मांग के उत्पन्न होने का कारण बन सकती है, क्योंकि सरकार जब खर्च नहीं करेगी मतलब विभिन्न योजनाओं के परियोजनाओं के निर्माण में धनराशि नहीं देगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों को आय कहां से होगा, जो लोगों का आय नहीं होगा तो सामान नहीं खरीद पाएगा। एक और कारण हो सकता है बचत प्रवृत्ति में वृद्धि। लोगों में एक प्रवृत्ति पैदा हो जाए बचत करने का, नहीं एक व्यक्ति बचत करना शुरू कर दे तो उसके लिए फायदेमंद है, लेकिन सभी लोग बचत करना शुरू कर दे तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो लोग के अंदर बचत करने का कीड़ा बढ़ जाए, काटने लगे, गलत सही। तो बचत करने की प्रवृत्ति होगी तो अपने आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं उस पर खर्च करेगा नहीं, और खर्च करेगा नहीं उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। निर्यात मांग में कमी। निर्यात का मतलब क्या होता है? भेजना। निर्यात मांग में कमी के द्वारा भी न्यून मांग उत्पन्न हो जाता है। तो न्यून मांग के उत्पन्न होने के कारण कौन-कौन जा रहे हैं? अब ये न्यून मांग का प्रभाव कहां कहां पड़ेगा? न्यून मांग के प्रभाव की बात करते हैं कि न्यून मांग होगा तो इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं न्यून मांग का प्रभाव सबसे पहला पड़ेगा उत्पादन पर पड़ेगा, दूसरा कहां पड़ेगा? उपभोग पर पड़ेगा, कीमत पर भी पड़ेगा, रोजगार पर भी पड़ेगा, कई क्षेत्र पर जाएगा। क्योंकि सर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब लोग डिमांड नहीं करेगा तो उत्पादक वस्तु का निर्माण नहीं करेगा, नहीं
न्यून मांग के कारण उत्पादन प्रभावित होगा, क्योंकि जो उद्यमी होगा उसका मार्केट में उत्पादित वस्तु बिकेगा नहीं, तो वस्तु को उत्पादन करना क्या कर देगा, तो न्यून मांग में उत्पादन पर क्या होगा, कमी आएगा। उपभोग में क्या होगा, इसमें भी कमी आएगी। उत्पादन कम होगा तो उपभोग तो ऑलरेडी कम होगा करेगा। कीमत, मांग कम होगी तो कीमत क्या हो जाएगा, न्यून मांग की स्थिति में कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा बता सकते हैं, कमी आ जाएगी, क्योंकि पैसा रहेगा तब ना कोनो बढ़ा के देगा, लोग के पॉकेट में तो पैसा ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण रोजगार से पहले ही संतुलन को प्राप्त कर ले रहा है, तो कीमत में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और उद्यमी चाहेगा कि कम से कम कीमत रख दे ताकि ज्यादा हमारा सामान बिकाए, लेकिन लोग के पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना खरीदेगा। रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सामान तो बिक नहीं रहा है, बड़े बड़े का उद्यमी क्या करेंगे, अपने कारखाना में से श्रमिक को छटनी करना शुरू कर देंगे। तीन प्रश्न हुआ यहां पर, न्यून मांग क्या है, न्यून मांग के उत्पन्न होने के कारण क्या है, विशेषता क्या है, और न्यून मांग का प्रभाव कहां कहां पड़ता है। अब है अतिरेक मांग क्या है, प्रश्न है क्या है, अतिरेक मांग क्या है, या अतिरेक मांग से आप क्या समझते हैं। तो अतिरेक का मतलब होता है ज्यादा, घातक है किसी भी अर्थव्यवस्था में, न्यून मांग चाहे अतिरेक मांग भी नहीं वास्तविक रूप से पाया ही नहीं जाता है। एकाध क्षेत्र में चलेगा, कुछ क्षेत्र में चलेगा, सिलेक्टेड क्षेत्र वहां चलेगा, हर जगह क्या होता है, नहीं चलता है। अब क्या अतिरेक मांग क्या है, तो जस्ट इस परिभाषा को पलट दीजिए, सभी चीज को पलटिए, यहां पर अपना क्लियर हो जाएगा। न्यून मांग में क्या कहा, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से पहले हो जाए, यहां पर उसी को लिख दो कि यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर के पहले नहीं, यहां लिख दो बाद, यहां पूर्ण के जगह पर क्या लिख दो, बाद शब्द का प्रयोग कर दे, उसे क्या कर देंगे, अतिरेक मांग। एक शब्द को चेंज करने से दो डिफिनेशन आपको याद हो जाता है, कि न्यून मांग का हमने डिफिनेशन क्या लिखा, कि यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से पहले तय हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उलट दो थोड़ा सा, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से पहले नहीं क्या, बाद में तय हो तो उसे क्या कहेंगे, लिखना पड़ेगा कि समझ गए, एक शब्द तो जोड़ना है यहां पर, अगर पहले हो तो बाद में हो तो। अब सवाल है तो अतिरेक मांग की विशेषता क्या है, इसका एक प्रश्न आ सकता है ना, कि अतिरेक मांग की विशेषता क्या है, जैसे पूर्ण मांग न्यून मांग की विशेषता थी तो अतिरेक मांग की विशेषता है ना, कहता है कि जब एडी किससे, ए से ज्यादा हो जाए, पहले बढ़े थे एडीएस बढ़े थे, सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग से क्या हो जाएगा, सामूहिक मांग डी फॉर डिमांड एस फॉर सप्लाई क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, सामूहिक डिमांड लोगों का डिमांड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, आपूर्ति क्या हो जाए, ठीक है, यहां मुंह खुला हुआ है तो ज्यादा, इधर कम है तो मांग क्या हो, आपूर्ति क्या हो, तो सिद्ध कर रहा है जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग ज्यादा हो समग्र पूर्ति क्या हो कम हो तो यह किसे प्रदर्शित करती है, लेकिन इसको उलट दो यहां कि जब अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग कम हो सामूहिक पूर्ति क्या हो ज्यादा हो तो क्या होगा। वस्तुनिष्ठ में प्रश्न को ऐसे थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, बस दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। दूसरी विशेषता है सामूहिक मांग पर्याप्त मांग होता है या प्रभावी मांग होता है। अतिरेक मांग में क्या होगा, जो सामूहिक मांग होगा वो प्रभावी मांग होगा, और प्रभावी मांग उसे कहते हैं जो डिमांड कर दे तो उसे चाहिए। प्रभावी मांग का मतलब क्या होता है,
अगर आपसे डिमांड कर दिया तो उसको चाहिए, ये नहीं कि टालने मटोलने से काम, क्योंकि उसके बाद उसमें काम चलने वाला। जैसे किसने कहा कि हमें प्यास लगी, हमने कहा कि नहीं अभी नहीं जाना है, क्लास खत्म होगी तब जाना है। अगर वो रोक लिया समझो प्यास उसका प्रभावी नहीं था, ना सर छूटेगा, छूटेगा बिना पानी पिले हमसे नहीं पढ़ाएगा, मेरे परमिशन मिली नहीं, फिर भी वो निकल के क्या होता है चल जाता है अपने मित्र से, अरे भाई किसी के पास बोतल है तो लाओ पानी पी लेता हूं, तो वो प्रभावी प्यास हो गया उसके लिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो यहां पर क्या होगा, सामूहिक मांग जो होगा क्या होगा, प्रभावी मांग हो जाएगा, क्योंकि वहां सबको चाहिए। जैसे त्योहार आ रहा है दीपावली, दीप सबको चाहिए, कीमत बढ़ा देता है, पूर्ति बढ़ता भाई सबका डिमांड है। छठ के 5 दिन के बाद एक त्योहार आता है खरना, बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा, उसमें सजिया से हम थोड़ा ना छठ का बाद कहा, दीपावली के बाद कहा, दीपावली के 5 दिन के बाद हम बोले है ना, और गलती बोला गया छठ के बाद बोला गया, दीपावली के 5 दिन के बाद एक छठ त्योहार आता है छठ पूजा, सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं उसको। तो जो सांझ का जो अर्घ दिया जाता है उसे एक दिन पहले होता त्योहार खरना जिसे कहा जाता है। जो भी व्रती होती है अन्य चीज का डिमांड करे या ना करे, गुड़ क्या होता है, गुड़ और एक गम्हरी का चावल होता है, दूध 150 रुपए चावल मिलता है, गम्हरी का चावल कहते हैं उसे, साठी भी उसको कुछ लोग कहा जाता है। वो ऐसा धान है जो इसका बाल बाहर नहीं निकलता है, अंदरे रह जाता है, उसे पक तैयार हो जाता है, पकते नहीं चलेगा कि फूटा हुआ है या नहीं फूटा हुआ है, लेकिन काटो के झाड़ो उसमें धान निकलता है। प्रकृति ने बहुत प्रकार की विविधताएं दी हैं, उत्पादन लोग कम करता है, कीमत क्या होता है, सबका डिमांड है बढ़ा देता है, तो लोग क्या करता है, अब जिस घर परिवार ज्यादा है तो पूजा के लिए खरीदता है 250 ग्राम, अब बाकी सबको तो खीर खाना है ना, तो जनरल चावल के बनेगा, उसे मीठा का कीमत बढ़ जाता तो लोग, अन्य दिन तो चीनी का कीमत ज्यादा, उसमें मीठा का कीमत ज्यादा है तो लोग मीठा थोड़ा खरीदते हैं, बाकी सामान चलो प्रसाद के लिए केवल मीठा का यूज करें, बाकी तो चीनी में ही बन जाए। तो सामूहिक मांग क्या होता है, प्रभावी मांग हो जाता है। तीसरा, सामूहिक मांग का सामूहिक पूर्ति से अंतर, मतलब सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति में क्या होता है, अंतर होता है, ये तो इसी बात से सिद्ध हो जा रहा है, नहीं हो रहा है कि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति में क्या होता है अंतर, माने मांग क्या होगा ज्यादा होगा, पूर्ति क्या होगा कम होगा। अब सवाल है तो ये अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कारण क्या है, सबको उलट दीजिए, अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कारण यहां क्या, कर में वृद्धि है, कर में कमी कर दो। अगर कारण की बात कर दे तो क्या होगा, कारण की बात कर ले तो पहला क्या होगा, कर में न्यून मांग में क्या है, वृद्धि है, तो यहां पर क्या होगा, कर में क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कर में कमी, क्योंकि जब टैक्स सरकार घटा देगी तो लोगों का बचत बढ़ जाएगा, लोगों का बचत बढ़ेगा तो उपभोग पर खर्चा करेगा, सरकारी व्यय में यहां क्या है, वृद्धि कमी है, सरकारी व्यय में क्या होगी, सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो कहां, सड़कें बनाने में ना, बहुदेशी नदी घाटी परियोजना बनाने में, सरकारी योजना को चालू खर्च करने में बढ़ाएगी, तो जो काम करेगा मजदूर करेगा ना, मजदूर जब काम करेगा तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा उसकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उपभोग का स्तर बढ़ेगा, बचत प्रवृत्ति को घटा देना, बैंक ब्याज दर घटा दे, लोग सब हो जाएगी नहीं, क्या क्या पता धरती कब पलट जाए, पैसा बचा के क्या होगा, कई ऐसे महापुरुष लोग हैं LIC तो मरने के बाद देता है पैसा, कई वो LIC कराए, बचत करके होगा क्या, जिसका लाभ हमको मिलेगा ही नहीं,
तो खूब खाते पीते रहो। तो बचत में क्या होगी, प्रवृत्ति जो सो है घट जाए, छोड़ दे लोग बचत करने का दिमाग ही ना लगाए, तो बचत करने का दिमाग नहीं लगाएगा तो क्या होगा, सबका पैसा रहेगा पॉकेट में, पैसा रहेगा जब जहां चाहे वो सामान खरीद लेगा। उसके बाद क्या है, निर्यात मांग में कमी, यहां निर्यात मांग को बढ़ा दो। उसके बाद और है सरकार द्वारा चलन मुद्रा में कमी कर दे, यहां पर चलन मुद्रा क्या कर दे सरकार, बढ़ा दे, साख का विस्तार कर दे सरकार, क्या प्रतिभूति को बेच खरीदने लगे, सरकार बेचने लगे, नहीं नहीं सरकार खरीदने लगे, सरकार जब बेचेगी तो खरीदेगा जनता ना, जनता से खरीदने लगे, अचानक शेयर बाजार की कीमत बढ़ जाए, लोग कहेगा अरे पूंजी फंसा हुआ है चलो बेच देते हैं, बेचेगा तो पैसा ही इसको आएगा ना, ब्याज दर बढ़ी थी, जैसे आज से 5-10 साल पहले जमीन का कीमत अचानक बढ़ गया शहर में, शहरीकरण की प्रक्रिया थी, जिसके पीछे रीजन है 2005 से 2010 के बीच में सरकारी विद्यालय में लाखों की संख्या में टीचर रिटायर हुए, अपने पढ़ लिखे शिक्षक बना है लेकिन 90% शिक्षक को मनसाही नहीं रहती शिक्षा पर खर्चा करें, पैसा बचा बचा के पैसा को करना होता, गर्दनिया गर्दनिया आकर रखना, अचानक सबके हाथ में किसी को 10 लाख किसी को 20 लाख किसी को 50 लाख मिला रिटायरमेंट, सब जमीन फंसा दिया, 30,000 का कट्ठा बिकने वाला 3 लाख का बिकने लगा, कहां बिक रहा है, दाम बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों का पास परचेजिंग पावर नहीं है, गलत बोला हूं सही, शिक्षक लोग बढ़ा देते, अचानक वही हुआ, अब ब्याज दर यहां बढ़ दी है तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ब्याज दर घटेगा तो सोचेगा लोग क्या बैंक में पैसा रखने जाए, रहने दो घर में, घर में रहेगा तो जब काम कर लेंगे, घर में रहेगा तो खर्च तो होगा ही, तो क्या होगा ये बढ़ जाएगा। अब सवाल है इसके बाद हीनार्थ प्रबंधन और भी तरीका है, हीनार्थ प्रबंधन क्या है, तो बजट वाला टॉपिक को पढ़ाऊंगा कि सरकार जब बजट के घाटा को कम करने के लिए मुद्रा छाप ले, बजटीय घाटा को पूर्ति करने के लिए नया तरीका से नोट को क्या करते छाप ले, इसको हम कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, सरकार नया नया नोट छापना शुरू कर देगा तो बाजार में रुपया ज्यादा हो जाएगा, रुपया ज्यादा हो जाएगा तो रुपया का वैल्यू क्या होगा घटेगा, और यहां से भी अतिरिक्त मांग क्या होगा बढ़ेगा। प्रभाव कहां कहां पड़ता है देखिएगा, उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उत्पादन में यहां वृद्धि होगी, रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अतिरिक्त मांग होगा, उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, उत्पादन ज्यादा करने के लिए कच्चा माल श्रमिक का डिमांड ज्यादा होगा, तो इसमें उत्पादन बढ़ेगा, कीमत भी बढ़ेगा, रोजगार भी ज्यादा होगा और उपभोग भी क्या होगा, यहां सब चीज क्या होगा घटेगा और यहां सब चीज क्या होगा बढ़ेगा, यही तो है टॉपिक, ठीक है।